ये पूरा शीशे के ग्लास के अंदर पूरा आ गया मैं, आवाज भी इको कर रही है। तो पहले गन्ने का जूस पी लेते फिर बढ़ते हैं आगे। ये अब हमारी एंट्री हो रही है फतेह सागर लेक पे। अच्छा यहाँ पर क्या है, साइकिल्स भी आपको मिल जाएंगी। ये सारी आपको बैटरी वाली साइकिल्स मिल रही है, जिस तरीके से दिल्ली में है ना यूलू साइकिल, यूलू बाइक्स वाली, वैसी पेटीएम से स्कैन करो और ले चलो। जहाँ जहाँ हम उदयपुर में घूमना चाहते हैं ना, अब ये रोड कौन सा है, ये वाला, ये फतेह सागर एंट्री है, ये फतेह सागर की एंट्री है। तो लेफ्ट साइड पे तो हमारा सारा हो गया फतेह सागर लेक्स, और राइट साइड पे देखो सड़क के किनारे इन्होंने ये बनाया हुआ है कि जहाँ जहाँ उदयपुर में मेन मेन घूमने की अट्रैक्शंस है ना, वो सारी की सारी आपकी ये रही। भारतीय लोक कला मंडल, मोती नगरी, रणकपुर, बड़ी तालाब, तो ये सारी जगह है। सही है, ये अलग से आइलैंड बना हुआ है यहाँ पे नेहरू गार्डन के लिए, जो कि आप बोट के थ्रू जाते हो, और ये है नेहरू गार्डन आइलैंड, तो बोट के थ्रू आप यहाँ से जाते हो। आप क्या कहते हैं इसे, बॉम्बे बाजार? हाँ ये बॉम्बे बाजार है, इतना सही है, फतेह सागर का बाजार है। ये देखो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, वो अपना बंक मार के सही आते हैं। है कि यहाँ तो बस खाने पीने का है, ओनली खाने पीने का। अच्छा, कॉफी है, स्नैक्स वगैरह के, शैक्स काउंटर काइंड ऑफ है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है पेंटिंग है। एलके कहते हैं ना उसे, एलके की इनर फेशियल। हाँ, ये ब्लैक शार्क, वो वाइट थी, ये सबसे बड़ी की साइज यही है। ये इंडिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम है, इंडियाज बिगेस्ट एक्वेरियम गैलरी। आजा 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 क्या भाग रही है। ये पूरा शीशे के ग्लास के अंदर पूरा आ गया मैं, आवाज भी इको कर रही है। इंडिया का बिगेस्ट फिश एक्वेरियम है ये, और बहुत बड़ा फिश एक्वेरियम है ये। प्रिजर्व्ड है ब्रो, पैक्ड है ऊपर, सील्ड है। तो ये पानी नहीं है, पानी है केमिकल वाटर। अच्छा, इसको बंधा हुआ है ना। अच्छा, ये मर चुकी है, एज खत्म हो गई तो इसकी डेथ। अच्छा, जब लाए थे तब 18 इंच की थी, अब जब ये एक्सपायर हुई है तो इसकी 4 फीट की है, सेफली प्रिजर्व। यहाँ पर क्या है, ये जो है ना ट्रांसपेरेंट है, ये वाली सीढ़ियाँ ऊपर जा रही है, और यहाँ पर ये इस तरीके से है। यहाँ से चलते हैं ऊपर।
भाई हालत खराब हो गई। ये जबरदस्त एक्सपीरियंस है और सबको करना चाहिए। अगर कोई भी अगर आ रहा है ना, इसको करे बगैर मत जाना, क्योंकि ये 15 मिनट का, 15 मिनट का है, 15 मिनट का है ये, और ये जो एक्सपीरियंस और थ्रिल देगा ना, जबरदस्त है भाई। ये जो छोटे छोटे टैंक्स आ रहे हैं ना, ये 150 टैंक्स हैं। ये अपना पूरा फर्स्ट हॉल बहुत अमेजिंगली डिजाइंड है ये। सो ये है विवेक सर जिनका ये एक्वेरियम है, और बहुत ही अमेजिंग और ब्यूटीफुली डिजाइन एक्वेरियम है जो सारा का सारा आप लोगों ने इस वीडियो में देखा। ये हम लोगों ने अक्टूबर 2017 में स्टार्ट किया था, उस समय के जो राजस्थान के होम मिनिस्टर थे गुलाबचंद जी कटारिया, अच्छा। उनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था। उस समय हमने फर्स्ट फेज चालू किया था, बाद में हमने इसके अंदर एड ऑन काफ़ी सारी चीज़ें करी हैं। और पब्लिक जब बाहर से आती है तब पहले तो उसको अंदाजा नहीं होता कि अंदर इतना बड़ा बना हुआ, बिल्कुल। लेकिन अंदर जाने के बाद वो बोलते हैं कि हमें पता नहीं था कि इतना बड़ा एक्वेरियम हो सकता है। भगवान चाहेगा तो बहुत जल्दी हम इसके अंदर इंडिया की फर्स्ट स्कूबा डाइविंग इन पॉन्ड यहाँ चालू करने वाले हैं। ओके, क्या बात है। तो स्कूबा डाइविंग के लिए जो हमें समुंदर में जाना पड़ता है, स्पेशल बीचेस ढूंढने पड़ते हैं, तो अब वो हमारा इंडोर भी हो सकता है। बिल्कुल, क्या बात। पूरी कोशिश है, हो सकता है 2-3 महीने में उसको चालू कर देंगे। क्या बात है। तो सर ये को ये चीज़ बताइए कि जब आपने 2017 में स्टार्ट किया था, तो क्या ये तब से लार्जेस्ट है? ये तब से लार्जेस्ट है, तब से लार्जेस्ट। जब आपने प्लान किया था तो आपने यही सोचिए प्लान किया मुझे सबसे बड़ा बनाना है? बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि हम बनाना तो यहाँ टनल एक्वेरियम चाहते थे, लेकिन ये जो जगह है ये फतेह सागर की डिटेंशन वॉल है। बिल्कुल। और इसके बाद वापिस ये गहरा खड्डा, इधर आपने देखा होगा नीचे काफी। हाँ जी, हाँ जी। तो लोड बेयरिंग कैपेसिटी को देखते हुए हम यहाँ टनल नहीं बना पाए, वरना हम यहाँ टनल एक्वेरियम बनाते। टनल एक्वेरियम बनाते हैं। सामने आपका फतेह सागर लेक है ये पूरी, और ये है इसका म्यूजियम। अच्छा, ये जो म्यूजियम है ना, ये इंडिया का लार्जेस्ट म्यूजियम है। ये है इसकी एंट्रेंस, और ये इसके चार्जेस हैं, और ये बहुत अमेजिंग है। और अंदर इसका जो वीआर का एक्सपीरियंस है ना, वो बहुत सही है, वो देखने वाले। पूरा शार्क आई, शार्क ने तुम्हें पूरा वो लाइव एक्सपीरियंस दे रहा है वीआर। और जो पीछे कई मैंने वीआर देखे हैं जिनका जो वो होता है ना, जो बेस होता है वो स्टिल होता है, बस सामने वीडियो चल रहा होता है। बट ये वाला जो था ना, ये इसके अंदर आपको प्रॉपर फील आ रहा था, पूरा नीचे वाइब्रेट हो रहा है, जब जब शार्क आपको हिट कर रही है वो वाइब्रेट हो रहा है, बहुत अमेजिंग है। तो ये है एक्वेरियम अंडर द सन। ये देखो, ये लेक है सामने। मस्ट विजिट है, आओ तो यहाँ पर ज़रूर आओ। और ऊपर से जब कोई आइकॉनिक चीज़ है अगर जो इंडिया का लार्जेस्ट है, तो उसको तो देखना बनता ही है। बाकी आपने पूरा वीडियो देखा ही है, कैसा लगा ज़रूर बताना। बाकी आपने पूरा वीडियो देखा ही है, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। और जो जो बच्चे हैं जो देखना चाहते हैं या जो एक्वेरियम में विजिट करना चाहते हैं, उनके साथ शेयर करो। चलो, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।